नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं हमें आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त हम पोड़ैयाहाट विधानसभा के देवडाण के स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब को यहाँ पर हम लोग खोजने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब पता चलता है कि डॉक्टर साहब हैं नहीं। एक बार हम आपको दिखाते हैं क्या रूम में, ये ओपीडी है और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है बंद है और अंधेरा है। डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, यानी कि डॉक्टर साहब इस अस्पताल में नहीं हैं। यहाँ पर जब डॉक्टर साहब महीने में आएंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाएगा। आइए और भी जगह दिखाते हैं, सब कुछ व्यवस्था इस अस्पताल में है लेकिन डॉक्टर साहब नहीं हैं। डॉक्टर साहब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पूरा अस्पताल में कहीं भी आपको डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब को हम लोग खोजेंगे, पूरे अस्पताल में खोजेंगे, हो सकता है कि कहीं डॉक्टर साहब मिल जाएँ। यहाँ भी देख लीजिए क्या, ये दवाखाना है और इधर ऑफिस है लेकिन सब में जो है ताला बंद है, डॉक्टर साहब कहीं नहीं है। तो डॉक्टर साहब को ढूंढने का कोशिश लगातार हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ डॉक्टर साहब हैं। देखिए और कौन कौन सा जगह है, एक बार चारों तरफ देखते हैं। पूरा बड़ा अस्पताल है, बन्ना गुप्ता ने इस अस्पताल का शुभारम्भ किया था, उद्घाटन किया था और अब जा करके देख लीजिए ये नर्स रूम है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको भी नज़र नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर? डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब तो अभी नहीं है। कब आते हैं डॉक्टर साहब? ये एनसी जब तो होता है 9 तारीख का डेट में आते हैं। महीना में एक दिन आते हैं? एनसी का टेस्ट तो देता है, जांच होता है, उसी रोज आते हैं। तो मरीज सब यहाँ कैसे, क्या हो रहा है? जो लोग दिखाने आते होंगे आप लोग उनका इलाज करते हैं क्या? हम ही लोग ओपीडी हम ही लोग देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुमोद किशोर महतो हुआ। क्या चीज है? GNM स्टाफ नर्स में है सर। मतलब आप ही सब कुछ संभाल देते हैं? हाँ, यहाँ पे हम ही संभालते हैं। आप लोग कभी नहीं बोले कि डॉक्टर साहब नहीं, हम लोग को दिक्कत होता है? हम बोलते हैं, बोलने का तो बोले, अब ऊपर से अब पूरा ही सीट खाली है तो क्या कर सकते। और पूरे अस्पताल में कितने लोग हैं आप लोग? हैं अभी हम लोग यहाँ 3-4 स्टाफ है, 4 स्टाफ है, 4 स्टाफ हैं। अब देख लीजिए पूरा अस्पताल है। इस अस्पताल में जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था, हम इस अस्पताल में आए थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था और आज देखिए कि इस अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब महीने के 9 तारीख को आते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जब विदेश से आते हैं तो उनका महीने में एक दिन का टाइम होता है, शायद उसी तरह के कोई डॉक्टर यहाँ पर महीने में एक दिन पहुँचते होंगे और पूरा गाँव जो है उससे भी इलाज कराता होगा। पूरा ये देख लीजिए ओपीडी है, स्टोर है, लेकिन सब कुछ आपको बता दें कि बस ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। ये झारखंड के अस्पताल की स्थिति है, आप समझ लीजिए। बड़ा बिल्डिंग है लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। गांव के कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत हम लोग करेंगे। महीने में एक दिन यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और इलाज होता है। आप लोग इसी गांव के हैं? जी सर, हम लोग यहीं का डेवडर का। तो बीमार पड़ जाते हैं तो यही ये लोग आप लोग का इलाज करते हैं? नहीं, हम लोग को जाना पड़ता गुड्डा नहीं पोड़ैयाहाट। डॉक्टर साहब नहीं है? एक भी नहीं, आज जितना इतना दिन से अभी तक एक भी डॉक्टर नहीं है यहाँ। तो आप लोग किसी को बोले नहीं है? विधायक कितना बार बोले हम लोग? क्या बोले विधायक? बोलता है मेरा लड़का है डॉक्टर, मेरा लड़का का हम भेज देंगे यहाँ, वहीं पर रहेगा। इसके बाद 2 दिन आया नहीं, एक दिन आया, इसके बाद बस चला गया सब, कोई खत्म। तो ये स्थिति है। आप इसी गांव से? हाँ भैया। क्या कहिएगा इस तरह, कितना दिन से डॉक्टर यहाँ पर नहीं है? अस्पताल जब से खुला है तब से? तो भैया देवडाड़ में मेरा कभी है ये नहीं है, बात खाली छुपाने से बोलने से थोड़े ना होगा। हमको भी अगर ऐसा कुछ मोहब्बत मुसीबत गिरता तो हम खुद मालदा जाते हैं, नहीं तो भागलपुर में जाके इलाज करवाते हैं। यही तो मेरा देवडाण हॉस्पिटल का कारनामा है, देख लीजिए सामने। यहाँ पर हॉस्पिटल जब से बना, मेरा बन्ना गुप्ता है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे यार अभी फिलहाल है, वो बोल के गए थे उद्घाटन में, वही आए थे हॉस्पिटल में, बोले थे जो देवडाड़ में हम अविलंब 2 एम्बुलेंस देंगे और प्लस डॉक्टर भी यहाँ 4 एनी टाइम रहेगा। लेकिन ना डॉक्टर आए और ना एम्बुलेंस रहे, हॉस्पिटल तो यहाँ का खुद ही मरा हुआ है हॉस्पिटल। आप लोगों को मान लीजिए इमरजेंसी पड़ता होगा तो आप लोग कहाँ कैसे इलाज करवाते हैं? इलाज गाँव में इतना बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, तो इलाज यहाँ पर किसको करवाएंगे? झोला छाप डॉक्टर के पास किसी तरह गए, उसके बाद इससे नहीं होता संजीवनी चले जाते हैं गोड्डा, वहाँ भी नहीं हुआ तो भागलपुर चले जाते हैं, वहाँ नहीं तो सीधे मालदा चले जाते हैं बंगाल। जो इमरजेंसी में होता है करते हैं। क्या करिए, क्या कहिएगा यहाँ के झारखंड सरकार को, आप क्या कहिएगा? इस बार मैया योजना लेकर के सरकार आ रही है, बिजली बिल माफ कर रही है और आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पहले कभी इसको लेकर के क्या कहिएगा और क्या होगा? इस बार चुनाव भी नजदीक आ रहा है, जब नेता लोग आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे। आप तो मैया सम्मान का बात तो बोल रहे हैं, तो मैया सम्मान ये एक छलावा है। आज सरकार हेमंत जी का कई साल से चल रहा है, 5 साल से, तो यही घोषणा अगर एक महीना में 1,000 देता तो 5 साल में 12×5 60 महीना होता, तो एक एक महिला का 60,000 रुपया पैसा घुसता।
तो वो तो हुआ नहीं, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये एक महीना दो महीना देगा फिर इसका ना सरकार रहेगा ना ही सरकार में बैठ पाएगा, और फिर बोलेगा हमारा सरकार तो हमारा नया रह लो हम कहाँ से देबो यार, यही तो हाल है झारखंड सरकार का। इस बार आप लोग क्या मन बनाए भैया, इसको परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए हम लोग का, हाँ झारखंड में नहीं, हम लोग को बदलाव चाहिए, यहाँ का विधायक बलदेव यादव को भी हटाना चाहिए यहाँ से, बस देखने नहीं खोजता 25 साल भैया इसका कुछ विकास नहीं है, कहीं पर जाते हैं तो हम लोग को शर्म लगता है दूसरे जगह देख के। आप आज जाकर रणधीर वर्मा को, रणधीर सिंह जो है सारण का विधायक, उसका क्षेत्र मेरा कुटुंब है, वहाँ पर गए उसका विकास देखे, वो नए मंत्री था ना कुछ था, विधायक साधारण अभी भी है, लेकिन उसका काम देख के अभी भी मन में छलावा होता है जो हमारा विधायक आज 25 साल से कुछ नहीं कर पाया, 5 साल में किया है। आपके डेवडाड़ में क्या कुछ मिला, सड़क वड़क आप? सड़क तो अभी फिलहाल तो आपको दिखाई दिए जो सड़क का डेवडाड़ की स्थिति क्या है, 25 साल से पानी जमा हुआ है, वहाँ पर मान लीजिए ढलाई का जरूरी है, ढलाई नहीं हो रहा है, वहाँ क्या कर रहा है बार बार रिपेयरिंग कर रहा है, खाली हल्का पीस दे रहा है, तो वहाँ पर क्या काम चलने वाला है क्या, उस समय खाली जला। तो देखिए ये स्थिति यहाँ की है, ये बड़ा सा अस्पताल है और इस अस्पताल में बिल्कुल हाईटेक तरीके से अस्पताल का उद्घाटन उस समय झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया था, और अब ये पूरा जो अस्पताल है वो आप देख लीजिए कि सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, अब बिना डॉक्टर के अस्पताल का कोई काम ही नहीं हो सकता है, सब कुछ इस अस्पताल में आपको व्यवस्था जो है आपको मिलेगा, बेड मिलेगा, रूम मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, आप देख लीजिए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा सवाल झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर भी आता है कि आपने ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया था, और आप जब यहाँ पर आए थे तो बड़ा तामझाम के साथ कार्यक्रम रखा गया था, और आज जब फिर से चुनाव का समय है तो आज इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और उसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान और नज़र आ रहे हैं। आप लोग इसी गाँव के हैं? हाँ एकदम। कब से यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है? जब से हॉस्पिटल बना तब से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। मतलब कभी भी इस अस्पताल का आप लोग ठीक से लाभ नहीं ले पाए? नहीं आज तक नहीं, नहीं, नहीं आज तक कभी नहीं, जिसका कुछ भी होता है डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल गोड्डा। मतलब कुछ भी यहाँ पे कुछ होगा तो आप लोग को वहाँ, ये लोग नर्स लोग नर्स सब है लेकिन छोटा मोटा के लिए, मतलब डॉक्टर से नहीं, नहीं डॉक्टर से नहीं होता है। तो देख लीजिए ये स्थिति है, जब हम लोगों ने नर्स से उनको जो बात किया वो लोग बोले कि महीने के 9 तारीख को एक दिन डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं और उसी दिन फिर चले जाते हैं, तो ये स्थिति इस अस्पताल की है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और कहाँ कहाँ पर ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।